इस वक्त मैं अंबेडकर चौक में हूं और किन मुद्दों को लेकर के एडवोकेट अशोक बसोत्रा जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। 18 हफ्ते हो चुके हैं लगातार इस प्रदर्शन को चलते हुए, आज 18वां हफ्ता है। जान लेते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके की भाजपा की ओर से लिस्ट जारी की गई है उसे लेकर के, राजनीति को लेकर के और बहुजनों के मुद्दे को लेकर के बात कर लेते हैं एडवोकेट साहब से। भाजपा ने जो लिस्ट जारी की है उस लिस्ट को आप कैसे देख रहे हैं? कई ऐसे नाम हैं जो किसानों की हत्या जिस गाड़ी से जीप से की गई थी उन्हें भी टिकट दे दी गई है, कई ऐसे नेताओं को टिकट दी गई है जिन लोगों को ये नहीं पता कि राजनीति में काम क्या करना है। जम्मू में भी दो वही चेहरे रिपीट किए गए हैं जिन चेहरों को लगभग काफ़ी समय से लोग देख रहे हैं। देखिए, मोदी जी काफ़ी जोर शोर से पार्लियामेंट में भी कह रहे थे और बाहर भी सब प्रोग्राम्स में वो कह रहे थे कि 370 तो भाजपा जीतेगी और 400 से ज़्यादा एनडीए जीतेगी। वो कॉन्फिडेंस इस लिस्ट में मुझे दिखा नहीं। मैंने वो लिस्ट बड़े गौर से देखी है। एक तो जो पहले क्रिमिनल्स हैं उनको, हार्डकोर क्रिमिनल्स को तरजीहत दी गई है और लोगों का फेथ तो अब उनसे हट ही चुका था। मुझे नहीं लगता अब लोग उनके फेवर में वोट डालेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे। ईवीएम की मैनिपुलेशन भी वो कितनी ही कर लेंगे तो सब जगह हो भी नहीं पाएगा उनसे, लोग वैसे ही नाराज़ बैठे हैं। दूसरा, जो बाकी चेहरे भी वो लेके आए हैं उनको देख के लगता नहीं कि मोदी मैजिक चलेगा या मोदी जी की उस बात में कोई दम है जिसमें वो 370 या 400 की बात कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, इस लिस्ट से ये क्लियर हो गया कि इनको 272 के भी लाले पड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में ही हमारी बात ये साबित हो जाएगी जब मोदी जी की भाजपा उस जादुई आंकड़े को, 272 के आंकड़ों को छूने से कम भी 100-125 सीट से चूक जाएगी। जम्मू कश्मीर की बात कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में जो चेहरे रिपीट किए गए हैं, जुगल किशोर शर्मा और जितेंद्र सिंह को दोबारा से रिपीट किया गया है, लोग इसे कैसे देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? पूरे प्रदेश की जनता अब इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी है कि ये दोनों नेता किसी काम के नहीं है। जम्मू के हित में इन्होंने कोई काम नहीं किया। आर्टिकल 370 हटाने और 35A हटाने के टाइम पे जिस तरह के लुभावने वादे बीजेपी ने और इन लीडरों ने अपने लोगों से किए थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में या भाजपा में ये लोग सिर्फ मिट्टी के माथों बन के बैठे हुए हैं, किसी काम के नहीं है। जनता इनको अच्छी तरह से जान चुकी है। आप इस बार देखिएगा इनकी कहीं जमानतें जब्त ना हो जाए। इन राजनीतिक पार्टियों में एससी सेल है, ओबीसी सेल है, बाकी सेल भी हैं, उन लोगों को कभी मौका नहीं दिया गया। इस बार भी अगर ये मौका देते तो उसे कैसा देखते थे? कोई चेहरा ऐसा दिखाई नहीं दिया गया, दोबारा रिपीट इनको किया गया। यही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, कहना उनका कुछ है, करना उनका कुछ है। बात तो वो एससी एसटी ओबीसी की करते हैं, उनको सेलों में बंद करके रखते हैं। जब बात पॉलिटिकल लीडरशिप की आएगी, एमपी की टिकटों की आएगी, एमएलए की टिकट्स की आएगी, तो भाजपा का घिनौना चेहरा हमें देखने को मिलेगा। बहुत कम लोगों ने एनालिसिस किया होगा, हम तो दिन रात इस पर रिसर्च करते रहते हैं। जब से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रही हैं कभी भी भाजपा ने एक भी सीट एमपी की किसी एससी एसटी ओबीसी को नहीं दी। एमएलए की जितनी आज तक इलेक्शंस हुई हैं, रिजर्व कैटेगरी की सीटों को छोड़ दें तो कहीं इनको सीट नहीं दी। और ओबीसी को मात्र एक सीट जम्मू वेस्ट में आज तक सारी इलेक्शंस को मिला के भाजपा ने दी है। 60% से ज्यादा ओबीसी की आबादी है जम्मू कश्मीर में और सिर्फ एक एमएलए की सीट आज तक दी गई है। इससे भाजपा का असली घिनौना चेहरा सामने आ जाता है। जब से मोदी जी आए हैं खुद को ओबीसी कहकर छाती पीटते हैं, उनके आने के बाद भी जम्मू कश्मीर की ओबीसी की हालत आप देख लीजिए। ना उनको 27% रिजर्वेशन मिला, ना 60% मिला, बल्कि उनकी ओबीसी की लिस्ट में अपर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी घुसेड़ दिए गए। आने वाली सिलेक्शन क्राइटेरिया लिस्टों में अब रियल ओबीसी जो है उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। यही हाल एसटी का, ये ओबीसी का भी, एससी का भी है। अपना नाम बताइए। नरेश कुमार। आप कैसे देख रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जो दो चेहरे दोबारा से भाजपा ने रिपीट किए हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? आपको लगता है कि आप लोगों की उम्मीदों पर वो खरे उतरेंगे? सर, जैसे पहले भी उनको टिकटें दी गई थी, पहले भी वो एमपी रहे हैं, तो अभी तक तो हमारे इलाके में कभी हमने उनको देखा भी नहीं है, ना कोई काम किया है ना कुछ। तो अभी भी मुझे लगता नहीं है कि इस बार लोग उनको वोट देंगे।
लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने उन्हें भाजपा ने टिकट दिए हैं, रिपीट किया है, तो काम किए होंगे तभी रिपीट किया। उनकी नॉलेज में काम किए होंगे जो उनको अच्छे लगते होंगे, जो आम पब्लिक है उनको तो लगता नहीं कि उनको काम किया उन्होंने। आम पब्लिक की क्या डिमांड्स थी? आम पब्लिक जैसे आप क्या सोचते हैं, अगर आपसे जाना जाए कि आप कैसे देख रहे हैं कि क्या काम होने चाहिए? आम पब्लिक के जैसे हम देखते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनका कोई भी काम नहीं होता। जिस भी दफ्तर में जाओ उनकी कोई पूछता ही नहीं, उनको चक्कर पे चक्कर लगवाते रहते हैं। जैसे तहसील में चले जाओ, जहाँ कहीं ऑफिस में चले जाओ, तो काम के लिए कोई नोटिस बोर्ड लगाए होते हैं, उन्होंने नोटिस में लिखा होता है कि ये काम 2 या 4 दिन में होता है, वो खाली लिखावट में है। 15-15 चक्कर लगवाते हैं, महीना महीना चक्कर लगाने पड़ते हैं, काम ही नहीं होता। पैसे दिए बगैर तो काम करता ही कोई नहीं है। मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। कि ये जो टिकट मोदी राज में तो करप्शन ज्यादा हो गई है, पहले से भी बहुत ज्यादा हो गई। करप्शन ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। एक बड़ा दावा हुआ है कि करप्शन ज्यादा हुआ। अपना नाम बताइए भाई साहब। राजिंदर सिंह। आप कैसे देख रहे हैं, भाजपा बहुमत से जीतने की बात कर रही है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा को दोबारा से रिपीट किया गया है, कितने अच्छे काम किए हैं उन्होंने जो उन्हें रिपीट किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी के अनुसार उनके काम अपने कागजों तक सीमित हैं। हाँ। तो आम पब्लिक के लिए तो बहुत मुश्किल हालात हैं। तो जहाँ पे मेरे ख्याल से एजुकेशन, हेल्थ और अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं जी, वो तो कह रहे हैं जन जन की बात सुनी जा रही है। अभी भी देखिए स्पीकर की आवाज़ आ रही है कि हर एक आदमी का काम किया है, ये सिर्फ मीडिया तक सीमित है, आगे पब्लिक तक कुछ नहीं पहुंचा हुआ है। आम जनता को कम से कम क्या चाहिए कि उनका रोजगार, उनके आगे जो बच्चों के लिए भविष्य, तो उनके रिलेटेड बीजेपी की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं है। आम जनता के लिए कम से कम एजुकेशन के और हेल्थ के लिए और अन्य जो आम पब्लिक के जो काम हैं उनके लिए मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी इसके लिए कोई अच्छा स्टैंड ले पा रही है। अखबार के पहले पन्नों पर छप रहा है कि मोदी की गारंटी की गारंटी, सिर्फ गारंटी नहीं, गारंटी की गारंटी, और आप कह रहे हैं कि पब्लिक के लिए उनकी स्कीम्स। देखो, जो मेन मीडिया है, मीडिया को पूरा कैप्चर कर रखा है बीजेपी सरकार ने, तो मुझे लगता नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे उनका वो अगर खड़े हो जाएं तो उनको मे बी शायद 200-370 का जो आंकड़ा बीजेपी खुद बोल रही है और एनडीए को डाल के 400+, तो मुझे लगता नहीं कि 230 भी क्रॉस करेगी। एक बड़ा दावा है कि 230 भी जो है वो क्रॉस नहीं हो सकता, 370 तो दूर की बात है। धीरज कुमार। धीरज जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं कि अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में जम्मू कश्मीर की तस्वीर और इन नेताओं को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो बीजेपी पार्टी है ये एक झूठी, लोगों को बेवकूफ़ बनाना इनका काम है शुरू से, और हमारे जो बड़े मासूम एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं बहुत मासूम हैं, इनको इनकी पॉलिटिक्स समझ नहीं आती है, उनके जानसे में फंस जाते हैं और हर बार ये हेरा फेरी करके हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना के ये जीत जाते हैं। कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं जरा बताइए? इनके लिए ये बड़े बड़े प्रोग्राम बताते हैं, आपके लिए हमने एजुकेशन जो है इसको हम बढ़ा रहे हैं, अच्छी तरीके से ला रहे हैं, आपके लिए हम हेल्थ का जो है सिस्टम उल्टा उल्टा बताते हैं हमें, जो कि इन्होंने सब बर्बाद कर दिया है। हेल्थ हमारा बर्बाद है, एजुकेशन हमारी बर्बाद है, और एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल जीरो कर दी है। आज की डेट में देखो आप, जीरो एम्प्लॉयमेंट है, कोई पोस्टें नहीं निकल रही हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों के लिए। अपने लोग ये सेट करते जाते हैं, हर तरफ इनके लोग देखो, डिपार्टमेंट में देखो यही बैठे हुए हैं। अपने लोग क्या, भाजपा तो कहती है सभी लोग हमारे हैं। अपर कास्ट भाजपा है, अपर कास्ट उनकी पार्टी है ये। एससी एसटी ओबीसी के लिए इन्होंने ना कोई काम किया है ना ये करेंगे, ये मैं अपने लोगों को बता देना चाहता हूँ, कभी भी ये आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको नीचे रखना चाहते हैं, अपने सिर के ऊपर नहीं बिठाना चाहते हैं। अभी इलेक्शन आएगी, आपका एक कैंडिडेट नहीं लेंगे जी, ना कोई एससी, ना ओबीसी, ना शेड्यूल ट्राइब, कोई भी एक कैंडिडेट बता दो अगर ये आपका लेंगे। अभी की हमारी पॉपुलेशन 85% है, लेकिन कैंडिडेट हमारा जीरो होगा। यही लोग दादागिरी वाले आएंगे और यही जीतेंगे और इनको ये सपोर्ट करेंगे। देखो आप, रेडियो ऑन करो, मोदी जी, बीजेपी, बाहर देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं आएंगे तो कौन आएगा?
देखिए प्रधानमंत्री हम नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो ये कोई अच्छे काम नहीं ना कर रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। बड़ी बात है कि बात कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए भाजपा जो है वो काम नहीं कर रही, उनको सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जी बसोर साहब, देखिए ऐसा है, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो जितनी बातें उन्होंने कही थी, आज वही भाषण मोदी जी को सुना दीजिए, शर्म से डूब के मर जाएंगे। 2 करोड़ रोजगार हर साल देना था, 10 साल में 20 करोड़ तो होता, जरा देखिए आंकड़े उठाकर, जो था वो भी रोजगार खत्म कर दिया। काला धन लाएंगे, काले धन वालों के साथ पार्टनरशिप कर लिया अपने और अपने परिवार के हिस्से में 50% डाल दिया, और 25 लाख करोड़ और लूट के अडानी के माध्यम से वो भी लूट के खा गए मोदी जी, यही गारंटी की गारंटी है इनकी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को कैसे देंगे? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सबसे बड़ा फ्रॉड तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्लास्ट कर दिया, अभी 13 या 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे वो नाम आ जाएंगे, तो अडानी की शेल कंपनियों का राज भी खुल जाएगा उसमें। देखिए कैसे कपड़े उतरते हैं और कैसे नंगे हो जाते हैं मोदी जी, ये बिल्कुल नंगे हो जाएंगे। इसके अलावा मोदी जी ने महंगाई की मार पे बात की थी, पेट्रोल डीजल कितने गुना बढ़ गया, और गैस 1100 तक 1150 तक चली गई, अब 950 पे वापस लाई, इलेक्शन होने दीजिए, 2000 क्रॉस कर जाएगी, और ये जो 400 पार है ये लोगों को समझ नहीं आ रहा, पेट्रोल डीजल तेल जो 100 रुपए का आज मिल रहा है ना लीटर, ये 400 के पार जाएगा, पर इलेक्शन में मोदी जी को जितवा दीजिएगा। तो मोदी जी ने जितने वादे 14 में किए थे वो भाषण इनको दिखा दीजिए, इनके वो पैम्फलेट वो एड इनको दिखा दीजिए, ये शर्म से डूब मरेंगे। उसी गारंटी की गारंटी है कि अब जो बचा खुचा कपड़ा है वो भी उतारेंगे, जनता को नंगा करके बेच देंगे ये लोग, अगर ये जीतते हैं तो। अब जनता इनको नहीं जिताएगी, अब जनता इनको नहीं बनाएगी, अब जनता इनकी इस गारंटी का पर्दाफाश करेगी, धज्जियां उड़ाएगी और इनको नंगा करके चौक में खड़ा होकर मर जाने के लिए तैयार कर देगी, मगर अब जनता इनके साथ नहीं जाएगी, मैं दावे से कह सकता हूँ। 100 दिन का समय मांगा था प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआती दौर में, कुछ किया होगा तभी तो जनता साथ में है। 100 दिन का समय मांगने के बाद 100 दिन में क्या हुआ, फिर उसके बाद नोटबंदी के बाद 50 दिन मांगे, 50 दिन के बाद क्या हुआ, आज तक जनता का वो जो फाइनेंशियल एक रिवाइवल है नहीं हो पाया, जो 2016 में इन्होंने जो नोटबंदी का काम किया था। परसों मैं आरबीआई की रिपोर्ट देख रहा था, लेटेस्ट रिपोर्ट, आरबीआई ने बताया कि पिछले 6 महीने में 7.5 लाख करोड़ रुपए का पर्सनल लोन जनता ने लिया है। इसका मतलब जनता के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, पर्सनल लोन ले लेके रोजी रोटी चलानी पड़ रही है, घर में राशन डलवाना पड़ रहा है, ये हालत कर दी मोदी जी ने। 80 करोड़ लोग भिखमंगों की तरह 5 किलो राशन की लाइन में खड़े कर दिए मोदी जी ने 10 साल में, और 5 या 10 साल दे दीजिए, 150 करोड़ का 150 करोड़ भीख मांग रहा होगा पूरा। लेकिन अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग में बाहर से 100 लोग आए हैं, उन लोगों को ऐसे डांसर बुलाए गए हैं जिन्हें 1 करोड़ रुपया दिया गया। उसका रीजन ये है कि अंबानी और अडानी की जेब में पूरी की पूरी पार्लियामेंट है, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट है, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और देश के साधन संसाधन लूटने में ये लोग माहिर हैं, और इन सब के साथ मिलकर, ये जो मोदी जी के लोग हैं और इनके बाकी जो लोग हैं, इन सब के साथ मिलकर अंबानी अडानी ने 25 लाख करोड़ रुपया लूटा है। अब 25 लाख करोड़ लूटने के बाद ये चाहें तो कहीं से भी किसी को भी बुला के नचवा सकते हैं, ये तो स्वर्ग की अप्सराएं भी बुला सकते हैं, इतना पैसा इन्होंने लूट लिया। एक बड़ा दावा हुआ है कि नरेंद्र मोदी और उनके मित्र बताया गया है अंबानी और अडानी को, ये कहा जा रहा है कि अंबानी और अडानी ने जिस तरीके से देश को लूटा है, देश खोखला हो चुका है, लेकिन वो सब हुआ है भाजपा की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से। लेकिन जम्मू के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा चुनावों को अगर आप देखिए तो जनता खुश नहीं है। जिन लोगों से हमने बात की है उन लोगों ने क्या राय रखी है, उस राय को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई में लोकसभा चुनावों में ये दो नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा को लोगों का समर्थन मिलेगा, लोग इन्हें वोट देंगे, और भाजपा ने जिस तरीके से बहुमत में जीतने का पूरे भारत में एक दावा किया है, इनके जो जिन लोगों से हमारी बात हुई है, जो इन लोगों ने कहा है, अगर ये सच्चाई है तो क्या भाजपा जीत पाएगी या फिर उसका सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।